जो कि है फोन लिंक योर एंड्रॉइड। देखिए ये जो फोन लिंक का जो सेटिंग है, ये सेटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको आप अपने पर्सनल लैपटॉप पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे ही सेटिंग्स को आप ओपन करते हैं और इसको ओपन फोन लिंक करते हैं, तो ये आपके सामने आपका एक ऐप का एप्लीकेशन खोल देगा जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट फोन लिंक। इसमें होगा ये कि आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन को कनेक्ट कर देंगे अपने लैपटॉप के साथ। कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे ही मैं इस एंड्रॉइड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे जीमेल के आईडी के ज़रिए इसको मुझे कनेक्ट करने के लिए कहेगा, और साथ में मुझे ये भी कह रहा है कि दिस क्यूआर कोड एक्सपायर्स इन 10 मिनट्स। कह रहा है यूज़ योर मोबाइल फोन ऑन योर पीसी, स्कैन द क्यूआर बिगिनिंग लाइकिंग योर मोबाइल, लिंकिंग योर मोबाइल डिवाइस टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, दिस एनेबल यू टू एक्सेस मोबाइल डिवाइस कंटेंट एंड कैपेबिलिटीज यू चूज, सिंक विंडोज डिवाइसेस यू साइन इन टू द सेम अकाउंट ऑप्शन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको क्यूआर कोड कौन सा दिखाऊं, तो मुझे मोबाइल पर भी एक ऐप करनी होगी जिसका नाम है फोन लिंक। मैंने शायद की भी हो, नहीं की, तो प्ले स्टोर पर जाके ओके अब इसमें तो ये फोन लिंक की एप्लीकेशन बता नहीं रहा, तो कंटिन्यू विदाउट क्यूआर कोड। तो जब मैंने कंटिन्यू विदाउट क्यूआर कोड पे क्लिक किया तो ये कह रहा है कि सेट अप योर मोबाइल डिवाइस एंड पीसी मैन्युअली। कह रहा है स्टेप वन, ओपन ब्राउजर योर मोबाइल एंड ओपन दिस वेबसाइट aka.ms.linkpc। तो इसका मतलब ये मुझे कह रहा है कि मुझे अपने मोबाइल पे क्रोम खोलना है। ये मैंने क्रोम लिख खोला और क्रोम खोल के उस पर मुझे इस वेबसाइट को टाइप करना है aka.ms.linkpc। तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा aka.ms.link/link। ठीक है, जैसे ये लिंक मैंने अपने मोबाइल में ओपन किया, ये थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। हो रहा है ओपन, ओके। ये कह रहा है गेट रेडी टू एक्सेस विंडोज फ्रॉम योर मोबाइल। जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यू किया, ओके, फिर से कह रहा है कंटिन्यू कर दें। मैंने इसको दोबारा कंटिन्यू कर दिया, ओके। अब ये मेरा साइन इन करने के लिए कह रहा है, तो मैं अपना ईमेल जीमेल वाला इस पर कनेक्ट करता हूँ, और ये मैंने लिख दिया इसके अंदर, उसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वी विल सेंड, अच्छा इसने मुझे एक सेंड भेज किया होगा कोड, तो मैं उसके अपने जीमेल के अकाउंट पे जाता हूँ और उस देखता हूँ वो कोड इसने सेंड किया होगा मुझे। ये मैं अपने जीमेल पर अकाउंट पर गया हूँ, फिलहाल कोई कोड रिलीज नहीं हुआ है। आ गया कोड मेरा ख्याल है, नहीं रिसीव हुआ, ओके। तो मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, कह रहा है कि वी विल सेंड यू अ कोड टू rashidkhan@gmail.com, साइन इन डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो मुझे वो कोड नहीं मिला, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सेंड कोड दोबारा से। तो मैंने जैसे सेंड कोड किया, तो अब देखते हैं कि कोड कोई रिसीव होता है मुझे जीमेल पर। ओके, ये देखिए मुझे एक जीमेल पर कोड रिसीव हुआ है, और वो कोड है, मैं इसमें लिख रहा हूँ, लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर 090918। तो मैं यहाँ से कोड उसमें डालता हूँ अपने 090918 090918। जैसे मैंने ये कोड इसमें लिखा और यहाँ से मैंने इसको साइन इन किया, ओके, फिर से कह रहा है इंटर कोड, पर ये कह रहा है ऐसा कोड डालें जो आपके पीसी पे शो हो रहा है, पर मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ओके, अब ये कोड जो लिखा रहा है मुझे इसमें लिखना है, तो इसमें है कैपिटल के, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल एल, 9, जे स्मॉल है,
4H, और ये मैंने यहाँ से इसको कंटिन्यू किया है, अलाउ कर देता हूँ इसको मैं, तो वहां पे भी देखिए फिर से अलाउ कर देता हूँ मैं इसको, कंडेन कर दिया हमने इसको यहाँ से, ओके खाले हो गया काम। अब यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है ये, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया जो मेरे मोबाइल का नाम है मुसिफ अली, ये फोटो है वो भी लिखा हुआ आ रहा है, अभी ऑफलाइन शो कर रहा है। इसके लिए इंटरनेट का भी कनेक्ट होना लाजमी है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा फ़ोन पर भी और लैपटॉप पर भी तो वो भी प्रोसेस नहीं हो सकेगा, तो दोनों पर इंटरनेट का कनेक्ट होना लाजमी है। थोड़ा सा टाइम लगा सकता है ये, क्योंकि इसको परमिशंस वगैरह और मैसेजेस वगैरह डाउनलोड करने में टाइम लग जाता है। तो ये कि थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर आपके सारे मैसेजेस और जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ आ जाएंगे, मतलब मैसेजेस, फोटोज और कॉल्स, तीनों डेटा आप अपने फोन का यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, मतलब इवन आप ऑफिस, हाँ कॉल कर सकते हैं या नहीं ये जरा देखना पड़ेगा, बाकी कॉल्स का रिकॉर्ड तो आपको मिल जाएगा। अच्छा मैसेज तो कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप ये घर पे ऐसे कनेक्ट कर लिया, आपने एक कंप्यूटर आपका घर पर है वो इंटरनेट से कनेक्ट है, इस एप्लीकेशन को आपने खोला फोन लिंक को और आप ऑफिस में चले गए, वहां पे जाके अपने मोबाइल को आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया और आपका सारा डेटा यहाँ पर, समझ रहे हैं बात को, मतलब जहां जहां आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होता रहेगा डेटा आपका यहाँ पे सिंक होता रहेगा। देखो वो तो अपने इंटरनेट से वहां कनेक्ट हुआ, ये इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, दोनों नेटवर्क पे आ गए ना, तो डेटा आपका इधर आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं फोन पे, कोई कहीं भी वो फोन मिल जाता है ना, तो क्या हम दोनों एक नेटवर्क पे आते हैं तो बात हो जाती है ना। बहरहाल ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, मैं फिलहाल इसको यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।